नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एससी ANM नई भर्ती विज्ञापन को लेकर के। आप लोग प्लीज़ परेशान मत हुआ करिए, नोटिफिकेशन कब आएगा या फिर डिले क्यों कर रहे हैं इसके पीछे कोई रीज़न नहीं बताया जाता है आयोग में। अभी कुछ जो सिस्टर गई थी आयोग में, हमने बताया भी था आप सभी को कि उनसे बोला गया था कि आप लोग परेशान ना हो, स्टडी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, आपके विज्ञापन जल्द आप सभी को देखने को मिलेंगे। अभी आप सभी देखेंगे अचानक से मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की कि लेखपाल के 7,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी करने को लेकर के अधियाचन आयोग को दिए जाएं, भेजे जाएं। और आज के न्यूज़पेपर में आ भी गया था खबर कि अक्टूबर के स्टार्टिंग में ही विज्ञापन और मार्च 2025 तक भर्ती को पूरा भी करा लिया जाएगा, यानी कि रिजल्ट तक मान के चल सकते हैं, उसके बाद ज्वाइनिंग आदि होने में थोड़ा समय भले लगे, तो बिल्कुल हो सकता है। अब अगर देखिए, इसमें कुल मिलाकर के थोड़ी सी अनिश्चितता बनी रहती है जब तक कि बिल्कुल कन्फर्म जानकारी प्राप्त ना हो। नोटिफिकेशन एग्जैक्टली कब आएगा ये तो अभी भी नहीं बता पाएंगे आप सभी को, क्योंकि जब तक कोई सही जानकारी नहीं मिलेगी ऐसे अनुमान से बताना। अब पहले भी जो चीज़ें बताई थी हम, उस समय जो भी जानकारी मिली थी उसके अकॉर्डिंग, और अभी भी अनुमान से नहीं बता पाएंगे आप सभी को। लेकिन एक चीज़ जो बिल्कुल कन्फर्म है कि आपका, आपकी भर्ती का नोटिफिकेशन 100% PET 2023 से ही आएगा, 100% PET 2023 से ही विज्ञापन आने वाला है। लोअर PCS का, ANM का, लेखपाल का, ये तीन विज्ञापन 100% आएंगे PET 2023 से। अब एकदम अगर शासन की मंशा ना हो कि हमें विज्ञापन भर्ती देना ही नहीं है तो वो अलग बात है, नहीं तो ये तीनों भर्तियां, तीनों विज्ञापन PET 2023 से ही देखने को मिलेंगे। और इनके अलावा भी 2 से 3 विज्ञापन 100% देखने को मिलेंगे। एक विज्ञापन देखिए और है एलोपैथिक फार्मासिस्ट का, अब देखिए उसमें भी अभ्यर्थी पूछते रहते हैं। ये विज्ञापन बहुत पहले आना था, हमने बताया भी था कि नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन नहीं आया, तो उसमें हमारी गलती नहीं होती है। इसमें सुप्रीम कोर्ट में कुछ मैटर है जिसकी वजह से उनका अधियाचन आ करके भी विज्ञापन आ नहीं सका, 700 कुछ पद उनमें है। अब इसमें कुछ यही चीज़ें होती हैं कुल मिलाकर के। हालांकि ये सब चीज़ें कोर्ट वगैरह मत सोचिएगा आप सभी, एक एग्जाम्पल दे रहे थे आप सभी को। आपकी भर्ती में नोटिफिकेशन को लेकर के कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत नहीं है, सिर्फ विज्ञापन जारी करना है। एक निवेदन है आप सभी से कि कुछ लोग, कुछ सिस्टर जो लखनऊ के आसपास के हो या फिर आपके गार्जियन हो, एक बार आप लोग आयोग चले जाइए। आयोग जा करके आप लोग सचिव सर से रिक्वेस्ट कर लीजिए कि हमारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। थोड़ा सा प्रयास आप लोग प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि हम जो भी जानकारी मिलेगी वही दे पाएंगे, कोशिश आप सभी को ही करना होगा। तो जो भी लखनऊ के हों, बिल्कुल प्रॉपर 2-4 लोगों का काम है सिर्फ, आप एक बार आयोग जा करके सुबह जल्दी पहुँच करके वर्किंग डे में आप जाइए और जा करके सचिव सर से निवेदन कर लीजिए। नोटिफिकेशन तो 100% आएगा, लेकिन थोड़ा सा ये जो सिक्वेंस है ना, PET 2024 तो हम नहीं बताए क्योंकि वो भर्ती तो है नहीं तो PET 2024, ANM, लेखपाल, लोअर PCS, JEE, ये जो 5-6 नोटिफिकेशन आने हैं ये 100% आने वाले हैं। इनका सिक्वेंस, इनका क्रम नहीं बताया जा सकता कि कौन सा विज्ञापन कब आएगा और पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, ये सब चीज़ें नहीं बताई जा सकती हैं। तो ये पूरी तरीके से डिपेंड करेगा आयोग के ऊपर या फिर संबंधित विभाग या शासन के ऊपर। तो जो भी लखनऊ के हों, प्लीज़ आप लोग एक बार जाकर के बात कर सकते हैं आयोग में, एक बार आप निवेदन कर लीजिए कि सर हमारा विज्ञापन जारी कर दिया जाए। अब छोटी छोटी बातों पे आप लोग बिल्कुल निराश होने लगते हैं कि अब विज्ञापन नहीं आएगा या फिर 24 से आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। भरोसा रखिए आप सभी, जो चीज़ें सही पता है वो तो हम आपको बार बार बताएंगे, और नोटिफिकेशन एग्जैक्टली कब आएगा, जब चीज़ें नहीं पता चल पाती हैं तो फिर उसमें हम नहीं बता पाते हैं कि कब आ पाएगा। इवन आप देखेंगे हम कोई एक्सपेक्टेड भी आपको नहीं बता पाते हैं कि हाँ इतने समय तक आ जाएगा। जब चीज़ें इस तरह की पता चलेंगी तभी आप सभी को बता पाएंगे। तो प्लीज़ कुछ लोग आप में से चले जाइए लखनऊ, आयोग जा करके सचिव सर से एक बार रिक्वेस्ट कर लीजिए, क्या पता विज्ञापन जल्दी तुरंत जारी कर दें विद इन 1 वीक। तो प्लीज़ एक बार आप लोग चले जाइए और जो भी आपकी बातें हों आप हमें भी ज़रूर बताइए। अगर नोटिफिकेशन ना आने वाला होता तो हम क्लास अभी स्टार्ट ही नहीं करते। यहाँ पर देखिए आप सभी, क्लास ज्वाइन करने में आप सभी को दिक्कतें नहीं आनी चाहिए, फिर भी एक बार फिर से देख लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम जो आपको आ रही है क्लास ज्वाइन करने में सब आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। बस आप सभी ध्यान से एक बार देख लीजिए, ज्वाइन बटन कहीं से भी आपको दिख जाए, हमारे चैनल पर आएंगे तो सब्सक्राइब बटन की बगल में ज्वाइन बटन होगा, तो ज्वाइन बटन पे आपको क्लिक करना है, या फिर हम जो डायरेक्ट लिंक देते हैं ज्वाइन करने के लिए आप उस पर क्लिक करेंगे, सेम चीज़ है। तो जो डायरेक्ट लिंक है या फिर अभी जो हमने आपको दिखाया, चैनल पर आप जाएंगे ज्वाइन बटन दिख जाएगा, तो आप कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो आप सीधे इस पेज पर आ जाएंगे। ये फीस हो गई, और ये ज्वाइन बटन दोबारा से आपको दिखेगा, यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिएगा।
एक चीज़ आप सभी ध्यान रखिएगा कि आप जितना अभी तो चलिए ठीक क्लासेज मिल जा रहे हैं पुरानी वाले भी, लेकिन अगर आप यही एक महीने के बाद अगर आप ज्वाइन करेंगे, अब लगभग समझ लीजिए 17-18 दिन हो चुका है क्लास चलते हुए, धीरे धीरे जैसे ही एक महीने पूरा होगा उसके बाद पुरानी क्लासेज जो भी लाइव क्लासेज रहेंगे वो आप सभी को सबको अवेलेबल नहीं हो पाएंगी, फिर आप बाद में शिकायत करेंगे कि हमें पुरानी क्लास आप नहीं दे पा रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ समय से ज्वाइन कर लीजिए, आप लेट ज्वाइन करेंगे तो उतनी क्लासेज आपकी छूटती चली जाती हैं। हम नहीं चाहते कि कोई भी क्लास आप सभी की छूटे, फीस बहुत कम है, ठीक है, बस आप लोग रेगुलर लग जाइए। कभी कभी क्लास मिस हो जाती है लेकिन क्लास डेली चलेगी, बस नोटिफिकेशन ना आ पाने की वजह से थोड़ा सा हम भी सोचते हैं कि नोटिफिकेशन आ जाए तो उसके बाद फिर अच्छे से सारी चीज़ें एक बार सिस्टमेटिक तरीके से 2-3 महीने अच्छे से लग जाए ताकि आप जितने भी लोग जुड़ते हैं हमारे साथ आप सभी का सिलेक्शन श्योर हो जाए, निश्चित हो जाए, किसी भी एक भी सिस्टर का सिलेक्शन रुकना नहीं चाहिए, हमारी ये कोशिश रहेगी, ठीक है। तो आप इस ज्वाइन बटन पर दोबारा से क्लिक कर लेंगे तो उसके बाद फिर यहाँ पर इस तरह का पेज ओपन होकर के आ जाएगा। जब आप दोबारा ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे तो इसमें देखिए लैंग्वेज आपको नहीं चुनना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना है, आप सीधे यहाँ पर आ जाइए। देखिए इसमें होता है क्या, मान लीजिए सपोज दैट अगर आपको नेक्स्ट मंथ क्लास नहीं लेनी होती है तो आप इसको सब्सक्राइब करके नहीं रखेंगे, वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड होता है, यानी कि अगर आप नहीं चाहते कि नेक्स्ट मंथ हमारी क्लास चले तो फिर नेक्स्ट मंथ आपका रिन्यूअल अपने आप नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा, बस ये होता है। तो इसकी वजह से आपको परेशान नहीं होना, आपको सीधे सीधे इस पर क्लिक करना है। सभी लोगों को यहाँ पर जो भी नाम लिख करके आए, हो सकता है कि आप अपने मोबाइल से UPI चलाते हो, आपके बैंक का नाम लिख करके आ जाए, जिस बैंक का अकाउंट हो, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी लिख करके आए आपको यहीं पर क्लिक करना है, ध्यान दीजिएगा आप सभी, ठीक है, बाकी आपको कहीं कुछ नहीं करना, सीधे सीधे आपको यहीं पर, ठीक है। और जो भी आप लोग फीस देते हैं आप सभी जानते हैं कि कुछ परसेंट तो कट जाता है पैसा, कुछ परसेंट पैसे कट करके, कुछ टैक्स कट करके, कुछ पैसे ही उसमें हम लोगों को मिलते हैं, चाहे ऐप से पढ़ाए चाहे यहाँ पर पढ़ाए, ठीक है। तो फीस बहुत कम आप सभी के लिए इसीलिए रखी गई है, तो यहाँ पर आप सभी क्लिक कर लेंगे तो इसके बाद ऊपर आपकी ईमेल आईडी है, फिर नीचे यहाँ पर इस तरह से कई ऑप्शन आपको दिखेंगे, ठीक है, कई ऑप्शन आपको दिखेंगे यहाँ पर। अब इसमें देखिए जो भी ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं आप इनमें से किसी भी एक ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए, किसी भी एक ऑप्शन पे जिससे आप पेमेंट कर पाए, ठीक है, या तो फिर आप अगर UPI अगर आप ना चलाते हो, अगर ऊपर किसी भी ऑप्शन से अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो उस स्थिति में आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप अपने ATM कार्ड से या फिर किसी भी डेबिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और जैसे आप पेमेंट करते होंगे तो आपको कभी कभी उसमें पासवर्ड या OTP की लेसेज आता है, OTP देखिए वैसे भी जाएगा, जब भी हम पेमेंट करते हैं सिक्योर पेमेंट के लिए आवश्यक भी होता है कि OTP आना चाहिए। और सेकेंड चीज़ है कि जब भी आप ऐप वगैरह आपने कुछ उसमें पिन सेट किया होगा तो ऐप ओपन करते होंगे तो वहाँ पर ऐप का पिन भी पूछा जाता होगा, तो ये तो अगर आप पेमेंट पहले करते किए होंगे तो आप सभी को पता होगा कि पेमेंट कैसे किया जाता है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा अगर आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसमें जो भी UPI ID होती है उसके थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद है अब आप सभी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, बाकी नोटिफिकेशन 100% PET 2023 से ही आपकी भर्ती का आएगा, कब तक आएगा थोड़ा सा आप सभी धैर्य रखिए। और कुछ लोग प्लीज़ आप लोग लखनऊ आयोग जरूर चले जाइए, वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, शेष आगे की जैसी भी जानकारी मिलेगी या फिर क्लास में आप सभी से मिलते हैं, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।